हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मित्रों, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय एक संस्कृत शब्द है और अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन नए कार्य की शुरुआत करते हैं। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्य करते हैं, तपस्या और दान द्वारा जो भी सेवाए प्रदान की जाती है वे भगवान को अनंत गुणा शाश्वत लाभ प्रदान करती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान कई गुना फल देता है। हरि बोलो। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत कुछ समझाया कि अक्षय तृतीया के दिन जैसे कि घर में अगर हम चाहें तो नई कुछ चीज़ परचेज कर सकते हैं, पूरा दिन शुभ ही शुभ होता है, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नई दुकान का उद्घाटन या अक्षय तृतीया के दिन करने से अच्छा लाभ प्रदान होता है। और अक्षय तृतीया का मैं आपको महात्म्य बताना चाहूँगा कि इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था और ये दिन अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी, जिनको हम माता मानते, वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह दिन त्रेतायुग की शुरुआत का प्रतीक है। सुदामा ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन दर्शन किए थे। और मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन पांडव को सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें से भोजन प्रकट होता है ताकि पांडवों को कभी भोजन की कमी ना हो। मुनि व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। अक्षय तृतीया के दिन इतना सारा अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया का महात्म्य है, तो ये अवश्य आपको जानना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने इस दिन कनक धारा स्त्रोत्रम की रचना की थी और कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षक के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया था, जो माता लक्ष्मी से कुबेर जी को प्राप्त हुआ था। और एक और बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुए थे। तो मैंने आपको अक्षय तृतीया का बहुत सारा महात्म्य समझाया, तो इस महात्म्य का बहुत अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और दोस्त, हरि बोलो। और अक्षय तृतीया के पवित्र दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए? तो अक्षय तृतीया के पवित्र दिन हमको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करना चाहिए और उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अध्यायों का पाठ करना चाहिए। पुरखों को तर्पण करें, अन्नदान करें, भगवान को अर्पित किया गया हुआ भोजन प्रसाद को सब में लोगों में बांटे और कपड़े, अन्नदान जितना हो सके उतना दान करे। तो अक्षय तृतीया का बहुत मैंने आपको बताया। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।